जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है बाइबल के बारे में जानकारी। सवाल एक, परमेश्वर के पवित्र लोग किससे प्रेरित होकर बोलते थे? दूसरी पत्रास 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलते थे। सवाल दो, शास्त्र का कितना भक्त परमेश्वर से प्रेरित है? जवाब 2 तीमोथियस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है। सवाल तीन, ईश्वर का वचन शुरू से कैसा रहा है? जवाब भजन संहिता 119:160, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदाकाल तक अटल है। ईश्वर का वचन शुरू से ही सत्य है। सवाल चार, परमेश्वर अपना वचन कब से सुरक्षित रखा है? उत्तर भजन संहिता 12:6-7, यहोवा का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है यहोवा, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। परमेश्वर अपना वचन को सदाकाल से बचाए रखा है। सवाल पाँच, परमेश्वर के वचन कितने दिनों तक रहेगा? मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। सवाल छः, परमेश्वर के वचन का एक उद्देश्य क्या है जो हमें देती है? रोमियों 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। परमेश्वर के वचन हमें आशा देती है। सवाल सात, धर्मशास्त्र हमें उद्धार पाने के लिए क्या बनाता है? जवाब 2 तीमोथियस 3:15, और बलकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। धर्मशास्त्र हमें उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सवाल आठ, धर्मशास्त्र यीशु को हमें क्या के रूप में दिखाता है? जवाब 5:39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। धर्मशास्त्र यीशु को हमें हमारे उद्धारकर्ता के रूप में दिखाता है। सवाल नौ, हमें किस तरह बाइबल पढ़ना चाहिए? 2 तीमोथियस 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना चाहिए अर्थात ठीक रीति से काम में लाना चाहिए। सवाल दस, सब सच्चाई में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए किसको भेजा है? जवाब 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सब सच्चाई में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। सवाल ग्यारह, परमेश्वर कब हमें अगुवाई करता है? जवाब 1 कुरिन्थियों 2:13, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्याख्या करती है। परमेश्वर तब हमें अगुवाई करता है जब हम हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए खोलते हैं। सवाल बारह, हम सच्चाई को कब आविष्कार कर सकते हैं? यशायाह 28:9-10, वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्नान से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। हम सच्चाई को तब आविष्कार कर सकते हैं जब हम शास्त्र को शास्त्र के साथ तुलना करते हैं, तब हम सच्चाई को आविष्कार कर सकते हैं। तेरा, परमेश्वर के वचन में क्या समाहित है? जवाब के लिए पढ़ें 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन में सत्य समाहित है। 14, परमेश्वर कब हमें अगुवाई करेगा? 7:17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस
उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। परमेश्वर तब हमें अगुवाई करेगा जब हम जन के प्रति खुले मन से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सब हम काशिश थे। आमीन।